केंद्र सरकार के 9 साल विकास बेमिसाल पूरे होने पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने साहिबगंज पहुंचे भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के संथाल परगना में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, ऐसे में सरकार को पूरे झारखंड में नहीं तो कम से कम संथाल परगना में निजी NRC करानी चाहिए। सरकार यदि नहीं चाहती है तो वक्त बदलेगा और भाजपा की सरकार आने के बाद जरूर कराएगी। इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ पूरे राज्य की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। राज्य की जमीन माफिया के साथ आदिवासी महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा न केवल केंद्र में बल्कि झारखंड में भी सरकार में होगी। 2019 में 12 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी, 2024 में बीजेपी 14 लोकसभा सीट जीतेगी। किसी भी मत पंथ को मानने के लिए, लेकिन हाँ, लोभ और लालच दे करके या डरा और धमका करके अगर किसी का कोई धर्मांतरण होता है, अगर इस प्रकार की बातें सामने आती है, तो फिर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और पिछले रघुवर दास की सरकार ने तो स्पष्ट रूप से कानून बनाया है कि कोई भी अपना मतांतरण कर सकता है, लेकिन वो विथ DC के परमिशन। तो जहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आएगी विदाउट परमिशन के या लोभ और लालच से या डरा धमका करके किसी का मतांतरण होता है, तो वो सर्वथा अनुचित है, गलत है, गैरकानूनी है, तो उस पर कार्रवाई होगी। कि आप जिस प्रकार से, इसलिए आपने देखा होगा कि देश भर में चल रहा है कि नहीं एक सिविल, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन सिविल कोड, तो आप देखें होंगे कॉमन सिविल कोड से किन लोगों को परेशानी हो रही है। उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जो इस प्रकार से अवांछित तत्वों को जो लोग प्रोत्साहन देते हैं। जिस दिन कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगी, कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकेंगे। और यहाँ तो आप देखे होंगे कि भाई मैंने दूसरी तीसरी चौथी पत्नी बना करके लोगों ने उन लोगों को रखे हुए हैं खाली जमीन के, तो ये बिल्कुल गलत है और इस पर सरकार को संज्ञान देना। जैसे घुसपैठे हुआ है और आबादी में जो डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ, और मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा, यहाँ आनंद जी बैठे हुए हैं कि यहाँ तो आंदोलन जो उस समय हुआ था और उस वक्त के DC थे, तो उस समय काफ़ी लोगों का सूची में नाम भी, यानी पकड़ा भी गए थे लोग, लेकिन अग्रेतर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज तो वास्तव में पाकुड़ से लेकर के साहेबगंज संथाल परगना अधिक प्रभावित हुआ, तो इसलिए मैं तो ये मांग कर ही रहा हूँ कि भाई पूरे प्रदेश नहीं तो कम से कम संथाल परगना एक मिनी NRC हो जानी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि कौन कब और कहाँ से लोग आए हैं, आकर के लोग बसे हैं, और तब आपने आप पता चल जाएगा कौन देसी है कौन विदेशी है, और फिर मतदाता सूची से उन सारे को हटा करके और फिर जहाँ से लोग आए वहाँ उन लोगों को वापस कर दिया जाए। तो कोर्ट ने जिसने भी जो PIL फाइल किया है वो अच्छा ही किया है और हम उसके हिमायती हैं, और हम तो ये चाहेंगे ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और NRC करानी चाहिए। अगर नहीं कराएगी तो इस बार आने वाले कल जब BJP की सरकार बनेगी तो संथाल परगना में निश्चित रूप से मिनी NRC होगी, क्योंकि जो डेमोग्राफी जिस प्रकार से चेंज हुआ है वो देश के लिए भी और संथाल परगना में खास करके यहाँ जो आदिवासी और पहाड़िया उन लोगों के ऊपर बड़ी एक संकट है। पहाड़िया लीडर है, कर्नाटक के लीडर है, वो सारे लोग विचार करेंगे, सब बातें हम ही से पूछोगे, हम कर्नाटक गए भी नहीं है, हम केंद्र के लीडर भी नहीं है, हम तो झारखंड के बारे में। भाजपा कितना लोकसभा सीट का टारगेट रखी है झारखंड में आपके हिसाब से? झारखंड में 14 के 14 हम लोग इस बार जीतेंगे, पिछले बार 12 जीते थे, उससे पहले 12 जीते थे, 2 सीट पिछले बार छिटक गया है, उस सीट को भी इस बार हम लोग निकाल सकते लोगों को पदस्थापित कर रहे हैं। भाई जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, आप सबको पता है, मैं उन घटना की, चाहे वो सालझारी की घटना हो, चाहे और जगहों की घटना हो, जहाँ बरेड की या भोरियों की घटना हो, भाई आप यहाँ के SSP हैं,
कब से बैठे हुए हैं, उनके कालखंड में क्या क्या घटनाएं हुई, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि पूरे घटना के पीछे जिम्मेवार कौन है, हेमंत सोरेन जिम्मेवार है और उनके देख रेख में यहां पर सारे घटना भी हो रही है और उन अपराधियों को प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और इसलिए लैंड जिहाद भी हो रहा है, घुसपैठिए भी यहाँ मैंने फल फूल रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, आप सबने देखा पिछले दिनों रांची में काफ़ी कार्रवाई हुई और अभी आप सबने जो संथाल परगने की बात की तो मैं जरूर कहूँगा, खास करके जो डेमोग्राफी बदला है उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। पूरा साहेबगंज हो और या पाकुड़ जिला हो, मेरे पास कई दस्तावेज भी है, मैंने सर्वे सेटलमेंट में उस समय किसी और का नाम, बाद में वो लोग कहीं और चले गए तो उसको अनाबाद जमीन घोषित कर दिया गया, खतियान में दर्ज है ये अनाबाद यानी घर मजूरा गवर्नमेंट लैंड। लेकिन इन दिनों कुछ भूमाफिया इस प्रकार से एकदम षड्यंत्र के तहत और उसमें सरकार के बैठे हुए उस पदस्थ पर बैठे हुए लोगों ने भी इस काम को किया है और भिन्न भिन्न लोगों के नाम से रजिस्टर्ड टू में जमीन लोग चढ़ा दिया है, एक एक गांव का, कई गांव का मेरे पास दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो निश्चित रूप से किसी दिन मैं उन डॉक्यूमेंट के साथ आप सब लोगों के सामने मैं आऊँगा कि इस प्रकार से यहां पर लोग इल्लीगल बस रहे हैं, इल्लीगल जमीन के कागजात लोगों ने तैयार किया है। इसलिए मैं आज अगर कह रहा हूँ कि मैंने NRC होनी चाहिए ताकि यह पता चल जाएगी, सब लोग पकड़े जाएंगे कौन कहाँ से आए, कैसे लोगों ने हत्याया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जमीन में क्या है नियम, SPT एक्ट में भी सेक्शन 4 में यह प्रावधान है, उसी गांव के रैयत होना चाहिए और उसमें भी पहले जो लैंडलेस होंगे उनके नाम से जमीन बंदोबस्त होगा और दूसरा जो SP है AC है उन लोगों के नाम से। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े जमीन वाले ही जमींदार ही जमीन के अपने नाम से लोगों ने कर रखा है, इसी साहेबगंज पाकुड़ जिला की मैं बात कर रहा हूँ। साहेबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।